हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रीति। आप देख रहे हैं एग्जाम ट्रेन यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 30 दिसंबर के करंट अफेयर। आज जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने किस मानव मिशन को मंजूरी दी है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, हम लोग इसके बारे में पढ़ रहे हैं जब से 15 अगस्त से हम लोग इस क्वेश्चन के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक, लेकिन अभी इसे मंजूरी नहीं मिला था। तो यह है मिशन गगनयान। गगनयान के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था कि 2022 तक इसरो क्या करेगी, 3 लोगों को अंतरिक्ष में भेजेगी। उसी का मिशन है मिशन गगनयान। इसका कुल कितना बजट है, तो इसका बजट है 10,000 करोड़ रुपए। कितने करोड़ है, 10,000 करोड़ रुपए। और इसको जो अंतरिक्ष में भेजा जाएगा, जिन अंतरिक्ष यात्रियों को, उसके लिए किस लॉन्च व्हीकल का प्रयोग किया जाएगा, तो GSLV MK3। क्या है, GSLV MK3। ठीक, इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कि भारत ने रूस और फ्रांस के साथ इस मिशन के लिए समझौता किया। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो 3 क्वेश्चन है ये आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगला हमारा, भूकंप की सूचना देने के लिए किस संस्थान ने अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाया है। तो अर्ली वार्निंग मतलब आपको पहले ही वार्निंग मिल जाएगी अगर भूकंप आने वाला होगा। तो इसके लिए बनाया है IIT रुड़की ने। किसने बनाया, IIT रुड़की ने अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाया है। इसके साथ साथ यह भी जान लीजिए कि भूकंप की तीव्रता किसके द्वारा मापा जाता है, तो सिस्मोग्राफ द्वारा। किस पैमाने पर, तो रिएक्टर पैमाने पर सिस्मोग्राफ द्वारा माना नापा जाता है भूकंप की तीव्रता। नेक्स्ट है हमारा, दिव्या पाटीदार जोशी का जोशी को मिसिज इंडिया माई आइडेंटिटी ब्यूटी पीजेंट 2018 के खिताब से नवाजा गया। यह किस राज्य से हैं, दिव्या पाटीदार जोशी, यह है मध्य प्रदेश से। कहाँ से है, मध्य प्रदेश से। इसके अलावा अभी आपको पता है कि लास्ट में हम लोगों ने क्या किया, कई सारे ब्यूटी कंपटीशन देखे हैं और उनके विनर्स जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें मिस यूनिवर्स की, तो मिस यूनिवर्स चुनी गई हैं फिलीपींस की कैट्रियोना एलिसा ग्रे। कौन है, कैट्रियोना एलिसा ग्रे। उसके बाद है मिस वर्ल्ड। मिस वर्ल्ड की अगर हम लोग बात करें तो मिस वर्ल्ड चुनी गई हैं वैनेसा पॉन्स डी लियोन। या कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो या मैक्सिको से बिलोंग करती हैं। और ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी मैक्सिकन गर्ल ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है। एंड थर्ड है हमारा मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड। अब ये क्या है मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड, इसमें थोड़ा सा आपको जानना होगा। देखिए, जो भी प्रवासी होते हैं उनके लिए या जो कंपटीशन है मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड, जो भारतीय प्रवासी होते हैं उनके लिए या मिस इंडिया का चुनाव है। ठीक है, तो याद रखिएगा मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड कौन है, श्री सैनी, जो कि लुधियाना की हैं, भारतीय मूल की अमरीकी हैं, तो प्रवासी हो गई ना। ठीक है, तो याद रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत में अब तक की सबसे तेज ट्रेन कौन सी बनी। तो अब तक की सबसे तेज ट्रेन बनी है ट्रेन 18। कौन सी ट्रेन है, ट्रेन 18। इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि इसका जो पहला टेस्ट हुआ है वो बरेली से मुरादाबाद में हुआ है और इसने स्पीड को कितनी दर्ज की है, तो 180 किलोमीटर पर आवर। इसके अलावा यह इंजन लेस पहली ट्रेन है। ठीक, जो कि कहाँ है, चेन्नई में बनाया गया है। इंजन लेस ट्रेन का मतलब ये होता है कि जैसे जो हमारी नॉर्मल ट्रेन होती है उसमें जो पावर होती है किसी एक इंजन जो होता है किसी एक डब्बे में लगा होता है, उसमें एक इंजन लगा होता है। इंजन लेस ट्रेन मतलब कि जितने भी डब्बे हैं उन सभी के पास अपनी पावर होगी, यही है इंजन लेस। ठीक, इसके साथ साथ आपको पता है कि भारत में पहली ट्रेन कब चलाई गई थी, 16 अप्रैल 1853 में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में चलाई गई थी भारत में पहली ट्रेन मुंबई से थाने के लिए।
नेक्स्ट हमारा, किसने हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन की स्थापना की? तो आपदा प्रबंधन पुरस्कार, यहाँ पे क्या होगा, आपदा प्रबंधन पुरस्कार की स्थापना किया, तो यह करने वाला है भारत सरकार। किसने किया है? भारत सरकार ने। जो भी व्यक्ति आपदा प्रबंधन में अपना योगदान देगा, अगर कोई संस्था योगदान देगा तो उसमें 51 लाख, और कोई व्यक्ति योगदान लेगा तो उसमें 5 लाख रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा, ठीक है, तो याद रखिएगा। इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट इंडेक्स भी जारी हुआ है, जलवायु जोखिम सूचकांक, जो कि जारी हुआ है, कौन सा है, 14th, कौन सा है, 14वां जलवायु जोखिम सूचकांक, याद रखिएगा। इसमें भारत की रैंकिंग कितनी है, 14 है भारत की रैंकिंग। नेक्स्ट है हमारा, 106वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 106वीं विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया जाएगा पंजाब, लुधियाना पंजाब में। और इस बार इसका थीम क्या रखा गया है, इसका थीम है फ्यूचर इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसका आयोजन होगा 3 से लेकर 7 जनवरी के बीच में जालंधर पंजाब में, जबकि पहली बार ऐसा होगा कि भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन पंजाब में होगा। लास्ट ईयर जो हुआ था हम लोग का 2018 में हुआ है, 2018 में 16 से 20 मार्च में हुआ था मणिपुर के कैपिटल इम्फाल में, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भरोसेमंद बिजली आपूर्ति में भारत की रैंक क्या है? तो भरोसेमंद बिजली आपूर्ति में भारत की रैंक है 80, कितनी है, 80। एंड हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग द्वारा दूसरी डेल्टा रैंकिंग में सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला जिला कौन सा है? तो डेल्टा रैंकिंग किसमें जारी किया गया, पहले तो ये आप लोग समझ लीजिए। मैंने आपको पढ़ाया था आकांक्षी जिला कार्यक्रम, जिसमें पिछड़े जिलों को डेवलप किया जा रहा था, ठीक। तो उसमें क्या कहते हैं, 5 जनवरी 2018 को शुरू किया गया था आकांक्षी जिला कार्यक्रम, इसमें 115 जिलों को चुना गया है। तो दूसरी जो डेल्टा रैंकिंग है, इसमें नंबर 1 पे आया है विरुधुपुर, विरुधुनगर, कौन सा है, विरुधुनगर तमिलनाडु का एक जिला है जो कि सबसे बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। सबसे कम बेहतर प्रदर्शन कौन कर रहा है, तो ऐसा करने वाला है नागालैंड, कि फायर जिला है, कहाँ पे है, नागालैंड में, ये सबसे कम बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। सेकंड पे देखिए हमारा नुआपाड़ा उड़ीसा है, सेकंड नंबर पे। यूपी का अगर आप लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं तो सिद्धार्थनगर यूपी आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।